नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, आज आप सबके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। नया टॉपिक है, उत्तराखंड के ऊपर ही है ये, एक लोक पर्व के ऊपर है जो कि काफ़ी बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। हमारे देखो यार, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी उनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर महत्व होता है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो और लेके आया हूँ मैं आज सबको। अब हमारे उधर उत्तराखंड कुमाऊं में ये ज़्यादा मनाया जाता है, कुमाऊं के अंदर। तो ये त्यौहार का नाम है खतड़ुआ। तो इसे खतड़ुआ, आप चाहे जो कुमाऊं के हैं वो तो समझ जाएंगे कि खतड़ुआ का क्या मतलब है, लेकिन जो मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो नहीं देख पाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, जो मेरे नए यूजर हैं और जो मुझे नए देख रहे हैं अभी, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड कलर में लिखा होगा नीचे सब्सक्राइब, प्लीज़ उसे प्रेस कर दो और उसके बगल में एक घंटी होगी उसे भी दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और अभी प्लीज़ एक लाइक कर दो, आज मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए वीडियो में। आप लोग प्लीज़ 100 लाइक कर दीजिए, अगर 100 लोग भी वीडियो को देख रहे हो यार, इसलिए मैं आज फर्स्ट में बोल रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं कर दो। हमेशा एक लाइक कर दिया करो जब भी आप वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ अभी एक लाइक कर दो और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स देखो, खतड़ुआ किस लिए मनाया जाता है, खतड़ुआ शब्द का क्या मतलब है, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है। देखो, हर चीज़ का अपना एक मतलब होता है, हर फेस्टिवल का अपना एक मतलब होता है, इसका भी एक अपना मतलब है। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आज आप सबको असोज के फर्स्ट तारीख को, ये सावन का, ये असोज के फर्स्ट तारीख को अपना ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखो इस दिन से जो है ठंड स्टार्ट हो जाती है और जाड़ा होने लगता है। तो जो पुराने हमारे गर्म कपड़े होते हैं, जो रजाई वगैरह जो भी ये चीज़ होते हैं, खातड़ का मतलब वही अपना कपड़े से ही होता है, जैसे खातड़ और खतड़ुआ और खातड़ का मतलब भी यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खातड़ जो है वो रजाई वजाई जो अपना सब कुछ है, हम सब लोग बाहर गर्म उनको सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप, ताकि उस टाइम से मतलब ठंड आने का संकेत हो जाता है। तो इसलिए ये एक कारण ये भी है, और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि देखो इस टाइम पर जितने भी हमारे पशु हैं वो बीमार हो जाते हैं और उनको उनके जो रोग हैं उनको अलग अलग रोग पकड़ लेता है। तो इस टाइम पर जो ये खतड़ुआ में जो अपना हम इस चीज़ में आग जलाते हैं, वो वीडियो में आपके लिए अलग से लेके आऊँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप कैसे किस तरह करते हैं, लेकिन अभी मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हम आग वगैरह जलाते हैं तो उस पर हम खीरा वगैरह ये चीज़ें, जैसे कुश का पेड़ हो गया, जैसे कुश होता है, कुश उसकी घास होती है, उसको हम काट कूट के तो उसमें कुछ आगे से भांग होता है, भांग की लकड़ी, तो उसमें हमें लोग मानते हैं। तो फिर ये चढ़ावा करते हैं, जैसे आग भाग जला के जहाँ पर चौराया होता है वहाँ पर आग जलाया जाता है। हानि भी है जो मैं आज आप सबको और बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो पहले से लोग क्या बोलते थे, जैसे अब भी लोग यही बोलते हैं, शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी कुमाऊं वाले से अगर ये चीज़ बोलेंगे तो आपको यही बोलेगा कि ये हुआ था ये नहीं हुआ था। तो पहले के लोग क्या बोलते थे कि खतड़ुआ जो था गढ़वाल का एक सेनापति, खतड़ू जिसको बोलते हैं खतड़ू, तो गढ़वाल का सेनापति था, और कुमाऊं का जो था वो खतड़ुआ था सेनापति। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो खतड़ुआ था वहाँ का सेनापति गढ़वाल का, वो हार गया, ठीक है, वो हार गया। तो उसी के उपलक्ष्य में भी खतड़ुआ मनाते हैं, लेकिन ये गलत है, ये आज के हर नए जनरेशन है जो उनको ये पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये कोई हमारे उत्तराखंड के कोई भी किताब में नहीं लिखा गया है, जो ये बुक्स लिखी थी, जो भी हमारे जो उत्तराखंड का मतलब जो भी फेस्टिवल आते हैं उन सबके ऊपर जो बुक लिखी थी फैशन, उसमें कभी कहीं भी इतिहास में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस गलत धारणा में मत रहें कि ये युद्ध हुआ इन दोनों के और वो सेनापति हारा तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग ये मनाते हैं त्यौहार, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फेस्टिवल है और इसमें देखो जैसे हम वो जलाते हैं तो गाय भैंस जो भी हमारा सब कुछ बीमार होते हैं उस टाइम पर, इसकी जो जैसे हम धूप अगर जैसे हम दिया अगर आरती वारती करते हैं तो आरती के ऊपर जो भी जो आरती होती है उसको गाय भैंसों के ऊपर लगाया जाता है ऐसे करके, ताकि वो हर बीमारी से बचे रहें। और इस दिन गाय भैंस जो भी हैं उनके अंदर गौशाला जो होता है
वहाँ पर जो भी पुराने चीज़ें होती हैं जैसे मकड़ी वकड़ी के जाल लग जाते हैं, इन चीज़ों की भी सफाई करी जाती है अच्छी तरह। तो इसीलिए ये त्यौहार इसीलिए इस तरह मनाया जाता है, और इसके पीछे ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिससे कि आप लोग आगे आने वाले टाइम पर ये समझाएं अपने बच्चों को। तो प्लीज़ यार आज की जनरेशन के हिसाब से देखो, आज की डेट में लोग हर फेस्टिवल को भूलते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बताऊँ, जो जितना मैं रिसर्च करता हूँ जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप सबको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भूल चूक होती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और देखो हमेशा इंसान से भूल चूक होती है, लेकिन मैं जितना कोशिश करूँगा आप सब लोगों को बताने की अच्छी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं उनको अच्छी तरह मनाएं और उनको अच्छी तरह याद रखें, आने वाले अपने बच्चों को भी बताएं हमारे हर फेस्टिवल को, और हमेशा ये चीज़ें रहनी चाहिए और इसका हमेशा मतलब विस्तार होना चाहिए, नहीं आज हम मना रहे हैं तो आने वाले बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएं। तो ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को बताएं, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको सब अच्छी तरह समझाएं और हमारे इन त्योहारों का भरपूर आनंद लें। तो फ्रेंड्स तो आपको ये जो मैंने आपको बताई ये कैसी लगी वीडियो, तो प्लीज़ आप शेयर कर दें, और भाइयों को ज़रूर शेयर करना यार, हो सके जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि और लोग भी जान सकें। और मैं इसके ऊपर जल्द 2-4 दिन के अंदर मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, जो ये खतरों का जो वो बनता है कैसे मनाते हैं क्या करते हैं इसको, वो मैं आप सबके लिए एक वीडियो लाया हूँ, उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा प्लीज। और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दो ठीक है, और लाइक कर देना यार, लास्ट में एक बार और बोलता हूँ लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर मिलूंगा आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय।